गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड. दिस इज़ द वीडियो अबाउट यू. द वीडियो इज़ अबाउट द सब्जेक्ट ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इज़ योर ब्यूटिफुल बुक. लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ लेसन 9, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आज आप पढ़ेंगे और ये लेसन आप स्टार्ट करेंगे. एडजेक्टिव मीन्स होता है किसी नाउन को कुछ स्पेशल नाम देना जिससे कि वो और लोगों से अलग पहचाना जाए. ओके, ये होता है एडजेक्टिव, किसी को विशेष नाम से पुकारा जाना जिससे कि वो अलग से शो हो, अलग से उसको पहचानना ईजी हो. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स ग्रुप्स गिवन बिलो देम. वाइट डॉग, स्वीट मैंगो, बिग काइट, टॉल बिल्डिंग. आप इस पिक्चर में देखते हैं एक डॉग है, लेकिन ये इस डॉग को कॉमन डॉग नहीं है, ये कैसा है, वाइट डॉग है, क्योंकि इसका कलर वाइट है और वाइट को यहाँ हार्ड वर्ड से लिखा गया है. तो डॉग एक नाउन है और नाउन के आगे अगर किसी उसी नाउन से रिलेटेड कोई स्पेशल वर्ड दिया जाता है तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए, आप प्लेट में नंबर 2 पिक्चर में मैंगोज़ रखे हैं, बट इसके संग एक वर्ड लगाया गया है स्वीट मैंगो, मतलब ये कॉमन मैंगो नहीं है, ये बहुत मीठा है. नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक बेटा लड़का है जिसने कि एक काइट ले रखी है, लेकिन ये काइट कॉमन काइट नहीं है, छोटी सी काइट नहीं, इट्स अ बिग काइट. तो ये बिग को अलग से शो किया गया. तो किसी भी नाउन को जब हम कुछ एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं जिससे कि वो औरों से अलग हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. इन द अबव वर्ड्स ग्रुप द वर्ड वाइट, स्वीट, बिग एंड टॉल डिस्क्राइब द नाउन. ये सारे चीज़ें नाउन को स्पेशल बनाते हैं. डॉग, मैंगो, काइट एंड बिल्डिंग, ये कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके आगे जो एक अलग से वर्ड लग जाते हैं वो इन नाउन को स्पेशल बनाते हैं. तो स्पेशल बनाने वाले वर्ड्स को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है, इनको जो है एडजेक्टिव बोला जाता है. अब इसके बाद जो ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है, ये है आपका डेफिनेशन. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. वो सारे शब्द जो कि एक नाउन को विशेष बनाते हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं, और यही डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं. कमेंट द एक्सरसाइज. देयर इज, देखिए, एन ओल्ड और यंग मैन, एक एन और मैन लिखा हुआ है, एक आदमी है. आपको यहाँ पे छांटना है कि वो ओल्ड है या यंग है. आपको क्या दिखता है वो, यस, वो ओल्ड है, तो आपको यहाँ पे ओल्ड पे टिक लगाना है. नेक्स्ट, अ ब्लू वाइट रैबिट. ये रैबिट कैसा है, ब्लू और वाइट, यस इट इज़ ब्लू. अ डर्टी क्लीन किचन. ये किचन आपको कैसा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है या साफ दिख रहा है, इट्स अ डर्टी. नेक्स्ट पेज में आइए, कमेंट द नेक्स्ट पेज. अ टॉल शॉर्ट बिल्डिंग. अगर में है तो वो शॉर्ट है, लेकिन बड़ी वाली सामने जो दिख रही है वो है टॉल. अ फैट थिन बॉय, ये है फैट बॉय. ड्राई वेट क्लोथ, वेट क्योंकि ये भीगा हुआ है. और स्मॉल बिग काइट, बिग काइट क्योंकि बच्चे के साइज से ज़्यादा बड़ी है. लॉन्ग शॉर्ट हेयर, ये बाल लॉन्ग है क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है. 3-4 लीव्स, देयर इज 4 लीव्स. हाउ द फॉलोइंग फूड आइटम्स लुक, स्मेल, टेस्ट एंड फील लाइक. यहाँ पे 3 तरह के फ्रूट दे रखे हैं, एक है ऑरेंज, एक है बिटर गार्ड यानी करेला, एंड थर्ड है बनाना. यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो उसको सेट करते हैं, उसको सूट करते हैं. जैसे यहाँ पे एक दे रखा है नीचे लेमन, आप सर्कल में देख रहे हो, एक नींबू है. नींबू में क्या क्या क्वालिटी होती है, यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है स्वीट, हार्ड, फ्लैट, जूसी, टेस्टी, फ्रेश, राउंड एंड सॉर. इतनी चीज़ें हैं. नींबू सॉर होता है, खट्टा, राउंड यानी राउंड शेप का होता है, फ्रेश ये ताज़े होते हैं क्योंकि पेड़ों में लगते हैं, टेस्टी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये किसी के संग जब मिक्स होते हैं तब टेस्ट होते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं. जूसी, यस ये जूसी होता है, इसके अंदर बहुत सारा जूस होता है. फ्लैट, नो ये फ्लैट नहीं होता है. हार्ड, ये बहुत कड़ा भी नहीं होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे उंगलियों से अपने प्रेस कर सकते हो. स्वीट, ये स्वीट यानी मीठा नहीं होता. तो इनमें से आपको जो क्वालिटीज़ दिखती हैं उस क्वालिटीज़ को आपको इस तरह से मार्क करना है. नेक्स्ट देखिए, बिटर गार्ड, इसमें मैंने 2-3 मार्क किए हैं, बाकी आपको करने हैं. और बनाना आपने टेस्ट किया, बनाना आप जानते हो कैसा होता है, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ बनाना. सो यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ द मेन स्पेशलिटी और क्वालिटी ऑफ द बनाना. स्लिपरी, यस ये स्लिपरी होता है, चिकना होता है. स्वीट, ये मीठा होता है, यस. फ्रेश, यहाँ ये फ्रेश होता है. टेंडर, स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता, कर्व शेप में. तो ये आपको अपने आप से ऐड करना है. 1-2 आप कर सकते हो, 1 मैंने कर दिया है, बाकी आपको अपने आप करना है.
Come at the next page. Choose the word that best describe the noun in the bold. सामने कुछ नाउन दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एक लड़की है जो मिरर देख रही है, एक ड्रेस है, एक कॉफ़ी या सूप का बाउल है एंड एक लड़की है जो कि म्यूज़िक सुन रही है. आप चार नाउन आपके सामने हैं, फिगर्स हैं. आपको सूट करना है यहाँ पे, ऊपर वर्ड दे रखे हैं कौन से वर्ड इस पर सूट करेंगे. अ क्वीन इज़ लुकिंग एट एन ओवल मिरर. ये मिरर का जो शेप है कैसा है, ओवल शेप का, अंडाकार शेप का है. सेकेंड इज़ दैट नॉट अ, कैसी ड्रेस है ये, अच्छी है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना है लवली. वुड यू लाइक सम डैश सूप. सूप हॉट है, गर्म है, आप देख रहे धुआं निकल रहा है तो ये हॉट हो गया. ओ बेबीज हैव सच डैश स्किन. बच्चों की स्किन कैसी होती है, स्मूथ. द गर्ल डज नॉट लाइक लाउड म्यूजिक. यहाँ पे बहुत लाउड यानी बहुत तेज़ शोर जो होता है वो बच्चों को नुकसान करता है, उसने अपने कान दबा रखे हैं. ओके, यहाँ पे मार्किंग कर दी गई है, आप इसको ऐसे एज इट इज़ बुक में मार्किंग करके आपको बीच की जगहों पे उनको लिख लेना है. नेक्स्ट में आइए, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड. यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्कल करना है. मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे रेहान इज़ अ गुड बॉय, गुड. आई हैव अ ब्लू कार. विश यू वर्ड इन द आई सी विंड. तो फर्स्ट गुड, सेकेंड ब्लू, थर्ड आई सी, फोर्थ टॉल, फिफ्थ ग्रीन, सिक्स स्मार्ट, सेवेंथ गुड, एट्थ ओल्ड, नाइन्थ स्वीट एंड टेंथ ग्रेट. आप इसको इस तरह से इजीली समझो, नाउन के आगे जो वर्ड लगा है, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन बोलते हैं. तो नाउन के आगे जो वर्ड है वो आपका हो जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसको आपको टिक करना है. उस लाइन में देख लीजिए, जिस नाउन के बारे में कुछ खास बात कही जा रही है, उस खास बात को शो करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया गया है उसको आपको अंडरलाइन करना है. यही होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स विद द नाउन्स. यहाँ पे देखिए, आपको कुछ वर्ड दिए हैं, आपको उससे रिलेटेड उसके सामने नाउन लिखना है. जैसे अ वाइट, वाइट क्या चीज़ हो सकती है, पेपर. अ लार्ज, बहुत बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, रोड हो सकती है. अ स्मॉल, पप हो सकता है, कुत्ते का बच्चा छोटा सा. अ सनी डे हो सकता है, कोल्ड कॉफ़ी हो सकती है. नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, फ्रेंडली बियर हो सकता है. अ ब्यूटिफुल गर्ल, अ रिप मैंगो, अ प्रिटी ड्रेस, अ लेजी बॉय. तो आप, मैंने यहाँ अपने हिसाब से लिख दिया है, आप इसमें चेंज करके अपने हिसाब से भी कनेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कमेंट द लास्ट पेज, दिस इज ग्रुप ए इज़ अ लिस्ट ऑफ द एग्जेक्टिव. ग्रुप ए में कुछ एग्जेक्टिव्स हैं एंड ग्रुप बी में नाउन दे रखे हैं. आपको ये मैच करना है कि कौन सा वर्ड किसके संग सूटेबल होगा. तो इसमें आप चेक कीजिए, शार्प, शार्प क्या चीज़ हो सकती है, नाइफ. लिटिल, लिटिल क्या हो सकता है, बेबी. ब्राइट, ब्राइट के संग सन लगा सकते हो, ब्राइट सन होता है, सन बहुत चमकीला होता है. हैवी, एलिफेंट हो सकता है. रिप, फ्रूट हो सकता है, फ्रूट पकते हैं, पक जाते हैं. ओल्ड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बूढ़े होते हैं. ठीक है, क्रीमी क्या हो सकता है, क्रीमी. उसमें आ जाइए, चीज़ सबसे फर्स्ट जो है, क्रीमी चीज़, चीज़ बहुत क्रीमी सी होती है. सॉफ्ट, पिलो, पिलो सॉफ्ट होती है. एनोमलस, बॉक्स हो सकता है. ठीक है, तो ये मैचिंग मैंने करी है. आपका देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये दिया हुआ है, एडजेक्टिव्स हैं. और यहाँ पे ऊपर वाले में तो देखिए जंबल कर रखा था, अब आपने इनकी जिसके संग मैचिंग कर रखे हो आप लोग, देखिए यहाँ पे जैसे शार्प के सामने नाइफ लिखा है, आपको भी अपनी बुक में जो सही मैचिंग है उसको सामने सामने करना है. सो दैट ये आपका यहाँ पे एंड होता है, ये पूरा है ऑलमोस्ट. इसमें आपको सारे सारे बुक में वर्क करने हैं, सारे बुक के वर्क इसमें कर लीजिए. कॉपी में आप सिर्फ इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, हेडिंग डालिए, और ये आप हेडिंग डालेंगे एडजेक्टिव, और ये ग्रीन जो स्पॉट दिख रहा पूरा, ये है आपका डेफिनेशन. तो डेफिनेशन की हेडिंग डाल करके आप इस डेफिनेशन को आपको लिख लेना है. ओके, तो इस काम को बुक में कर लीजिए और बुक में इसको करके लर्न कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए. अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.